दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आज के डेट में आप सभी के बीच में मुख्य सेविका भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को फाइनली आपके मुख्य सेविका पर जो है रीट नंबर 12924/2022 करके इस मामले पर फाइनली सुनवाई होनी है। आप लगातार कह रहे हैं कि भैया आखिरकार क्या आज की सुनवाई हमारी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, भर्ती से जो हमारा स्टे लगा हुआ है वो हटेगा या नहीं हटेगा। देख सकते हैं मामला हमारा रिजल्ट का अटका हुआ है और जब तक फाइनली कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। आप इसी चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, जो रिजल्ट आपका आएगा वो तो पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। क्या आचार संहिता का प्रभाव इस रिजल्ट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो फाइनली हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके बीच में ये कोर्ट केस स्टेटस लगा हुआ है, देख सकते हैं 8/4/2024 7:51 का ये स्क्रीनशॉट आपके बीच में लिया गया है। देखिए, कहा जा रहा है जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई है, बट यहाँ देखिए 8/4/2024 केस लिस्टेड एंड कोर्ट नंबर 37 जो है सीरियल नंबर जो है 3096 नंबर पर एडिशनल लिस्ट में आपका सिंगल बेंच में मामला लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ आप जो कह रहे थे कि भैया ये तो स्टेटस सही है, ठीक है, कह रहे थे कि क्या हमारा जो मामला पेंडिंग में चल रहा है, देख सकते हैं आपका पेंडिंग चल रहा है, तो क्या आज फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो मामला आज के डेट में आपके फाइनल होने के जो है चांसेस जो है 99% कहे जा रहे हैं। ठीक है, मामला कोर्ट का होता है जो है किसी कारणवश अगर आपको अगले डेट मिलते हैं तो वो अलग का मामला है, लेकिन जो है सुनवाई होने के जो है 99% आसार बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि भैया आज के डेट में सुनवाई होगी या नहीं होगी, जैसे ही कोर्ट का जो भी चीज़ें हैं अगर इस पर शुरू होती हैं। ठीक है, और यहाँ कह रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने आपको बता दिया जब तक फाइनल सुनवाई नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ का निर्धारण मैंने आपके बीच में पहले ही कर दिया है। अगर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप कट ऑफ का वीडियो जाकर, स्पेशली मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप उससे देख लीजिए। ठीक है, अब यहां कह रहे थे कि आचार संहिता, देखिए अगर बात करें हम जो भी भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रोसेस में चल रही उस पर आचार संहिता का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आचार संहिता का इस मामले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि चुनाव आयोग भी पहले से अपने जो है घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि अगर जो भी भर्ती प्रक्रिया या जो भी एग्जाम पहले से प्रस्तावित है उस पर जो है आचार संहिता का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ मामला हमारा कोर्ट केस के लिए अटका है। ठीक है, जैसे ही इसकी सुनवाई प्रारंभ होती है हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।